हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डालडा फाउंडेशन प्रोफेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के हवाले से। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इनका क्राइटेरिया है, वो सारा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब बाय द वे, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपको फेसबुक में मिला होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपको आई थिंक क्लियरली नज़र आता होगा कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखें, नंबर वन पॉइंट में एलिजिबल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिया है, मैट्रिक पास कर लिया है 2023 में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या वो सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो कि आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं या गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस या एनी अदर जो कि गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस के हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कि डाउन ट्रोडन एरिया से हैं। आपके मैट्रिक से लेकर जब तक आपकी जो एजुकेशन है वो कम्प्लीट नहीं होती तब तक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और वो इन फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, मैरिटाइम साइंसेज, बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई और इसके रिलेटेड फील्ड। ठीक है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये वो सारी फील्ड्स हैं, ये मेडिकल की हैं, ये इंजीनियरिंग की हैं, ये एग्रीकल्चर की हैं, ये होटल मैनेजमेंट, ये मैरिटाइम साइंसेज और ये बिज़नेस की हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान या कोई भी पाकिस्तान के किसी भी पार्ट से है ना, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मिनिमम जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन क्लियर होना चाहिए और उसके साथ आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम जो है ना, वो 50,000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके घर का जो टोटल एरिया है वो 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1080 स्क्वायर फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना, ये अर्बन एरियाज़ के पीपल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड मैट्रिकुलेशन इन 2023 आर करंटली इनरोल्ड इन इंटरमीडिएट आर आल्सो अप्लाई। तो जिन्होंने अपना मैट्रिक पास कर लिया है और वो इंटरमीडिएट में इनरोल्ड हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है और वो फर्स्ट ईयर के इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कह रहे हैं कि द एप्लीकेंट विल अंडरगो बैकग्राउंड चेक्स अपॉन क्लियरिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट टू डिटरमाइन इफ़ दे डिज़र्व द स्कॉलरशिप। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये ग्रुप्स हैं, इनमें आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इनमें से कोई भी आपका ग्रुप है, अगर आपका DAE है तो 70%, होम इकोनॉमिक्स में 70 या आर्ट्स में 70, अगर प्री इंजीनियरिंग के है तो 80% या इससे अबव होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर देखें कह रहे हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है ये मेरिट बेसिस पे है, आपसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। द स्कॉलरशिप अप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ़ द एप्लीकेंट डजंट स्कोर एज रिक्वायर्ड। अगर आपने इनका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो पूरा नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है, या इनकी जो एडवांस टेस्ट वगैरह होती हैं उनमें आप अपीयर नहीं हुए या चीटिंग करते आप पकड़े गए तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का देखें प्रोसेस लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको OTS की वेबसाइट विज़िट करनी होगी, www.ots.org.pk। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द स्कॉलरशिप कमेटी में डिस्कॉलर। अच्छा, यहाँ पर देखें नीचे इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली इनका फॉर्म कहाँ से रिसीव करना है, कैसे अप्लाई करना है। देखें ये जो है वो, अच्छा यहाँ पर ये है इनकी वेबसाइट, ये है इनकी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसको आपने क्रॉस करना है और यहाँ पर देखें ये रहा डालडा फाउंडेशन प्रोफेशनल स्कॉलरशिप, इस पर आपने क्लिक करके अब बेसिकली ये जो है वो डिफरेंट फील्ड्स हैं
जिनमें भी आपने अप्लाई करना है वो सिंपली आपने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर जो है ना इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले फिल करना है और उसके बाद आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। आप अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर व्यू एड पे क्लिक करके आप ये इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ पर जैसे मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने पुट करनी होती है, अपना नाम लिखें, अपने मोबाइल नंबर, अपना CNIC और ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप सिंपली जो है वो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद ही यहाँ आप अपने पासवर्ड और CNIC से लॉगिन करेंगे तो आपके पास बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, ठीक है, जिसमें बैंक डिटेल्स है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपके गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और आगे आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछेंगे। अब मेरे पास ये सारी रिक्वायरमेंट देखें ना अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बताता, लेकिन बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये, आप रजिस्ट्रेशन करके जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए ना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको मुकम्मल गाइड करता रहूँगा, सही है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर्स करता रहूँगा।